नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी हनुमान जी की गुप्त चौपाई के बारे में बताने वाले हैं जिसे मात्र एक बार जप लेने से ही बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपके सामने घुटने टेक देता है। दोस्तों, अगर आप भी हनुमान भक्त हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो और इस वीडियो का अनादर भी नहीं हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। दोस्तों, मंत्रों में बहुत सारी शक्तियां होती है जिनके बल पर हर काम को सिद्ध किया जा सकता है। पवन पुत्र हनुमान अष्ट सिद्धि और नव निधियों के दाता है। नव नामुमकिन को भी मुमकिन करने की शक्ति रखते हैं। यदि आपकी कुंडली में नव ग्रहों से संबंधित किसी भी दोष या आप शत्रुओं से परेशान चल रहे हैं तो हनुमान चालीसा की इस चौपाई का एक माला जाप करें। हनुमान जी श्री राम के हर कार्य में सहाय हुए हैं। आप भी अपने शत्रुओं पर विजय पाना चाहते हैं या किसी भी तरह के संकट को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं तो इस चौपाई का जाप आपके लिए रामबाण है जिसका वार कभी भी खाली नहीं जाता है। दोस्तों, हनुमान जी जो है वो कलयुग के भगवान है। दोस्तों, कलयुग में हनुमान जी सबसे जल्द प्रसन्न होने वाले देवताओं में एक है और हनुमान जी अपने भक्तों के मात्र याद करने से ही उनके सभी संकटों को हर लेते हैं और स्वयं उनकी सुरक्षा के लिए आ जाते हैं। दोस्तों, हम आपको इस चौपाई के बारे में बताएं उससे पहले आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जाकर जय बजरंग बली जय जय हनुमान लिखकर हमें भेज दें। दोस्तों, इस चौपाई का जाप आप प्रतिदिन करें। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर सकते तो मंगलवार और शनिवार के दिन इस चौपाई का जाप अवश्य ही करें। आपने इस चौपाई का जाप करने से पहले अपनी शुद्धता का स्वच्छता का विशेष ख्याल रखना है। नहा धोकर एकदम स्वच्छ होने के बाद ही आपने स्वच्छ वस्त्रों को धारण करना है और स्वच्छ वस्त्रों को धारण करने के बाद आपने हनुमान जी की तस्वीर या फिर मूर्ति को भी एकदम स्वच्छ कर लेना है और गंगा जल का छिड़काव कर देना है। अगर आप चाहें तो हनुमान जी के मंदिर भी जा सकते हैं। संभव नहीं हो तो आप घर पर ही हनुमान जी के चित्र या प्रतिमा के सामने बैठकर आपने इस विधिवत इसको चौपाई का जाप करना है। दोस्तों, आपने एकदम स्वच्छ करने के बाद हनुमान जी को एक शुद्ध देसी घी में सिंदूर को मिला देना है। सिंदूर को देसी घी में मिलाने के बाद आपने उस सिंदूर को लेकर हनुमान जी को लगा देना है और लगाने के बाद दोस्तों आपने गुलाब के फूलों का हार हनुमान जी को पहना देना है। उसके बाद दोस्तों आपने मीठे पान का भोग हनुमान जी को लगाना है। मीठा पान यानी कि बिना चूना लगा हुआ पान आपने हनुमान जी को लगाना है। उसके बाद आपने सरसों के तेल का एक दीपक हनुमान जी के सामने लगा देना है। दोस्तों, दीपक लगाने के बाद आपने ध्यान की मुद्रा में बैठते हुए इस चौपाई का जाप करना है। ध्यानपूर्वक सुने इस चौपाई को। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। एक बार फिर से सुन लीजिए। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इस चौपाई का आपने दोस्तों आप चाहें तो इसको एक माला यानी कि 108 बार जाप कर लेना चाहें तो सबसे बेहतर रहता है। आप इसको 108 बार अवश्य ही इस चौपाई का जाप करें। दोस्तों, इसको आप प्रतिदिन नहीं कर सकते तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मंगलवार और शनिवार को करें। इस चौपाई में दोस्तों इतनी शक्ति है कि किसी भी तरह की ऊपरी बाधा अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती है। कैसा भी बड़े से बड़ा शत्रु दुश्मन हो जो आपकी आंखों के सामने नहीं हो फिर भी वो आपके सामने घुटने टेक देता है और आपका बाल भी बांका नहीं कर पाता है। किसी भी तरह की समस्याएं हो, चाहे शनि मंगल से संबंधित सभी दोष शांत होते हैं। ज्योतिष के अनुसार
हनुमान जी की पूजा से व्यक्ति की कुंडली में उत्पन्न हुए समस्त अशुभ ग्रह दोषों का प्रभाव भी समत ही खत्म हो जाता है। दोस्तों, दुनिया का हर इंसान अपने आने वाले भविष्य के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है, जिससे वो अपने जीवन में आने वाली सभी मुश्किलों को समाप्त कर सके और अपना पूरा जीवन सुख से बिता सके। दोस्तों, व्यक्ति को जीवन में हनुमान जी का पूजा अर्चना करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी के चौपाइयाँ जिससे हमें अपने जीवन की हर समस्याओं और परेशानियों और मुश्किलों को बड़ी ही सरलता से दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप धन संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, आपको ऐसी चौपाई बताने वाले हैं जिससे इसको आपने जापने मात्र से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई श्री रामचरितमानस में ऐसी कई सारी चौपाइयाँ हैं जिनके जाप से हम हर संकट से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, इस चौपाई का अगर पूरी विधि विधान के साथ जाप किया जाए तो हर मुश्किलों का सामना किया जा सकता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो या किसी भी रूप में हो। तो इस चौपाई को आप ध्यानपूर्वक सुने। जो प्रभु दीन दयाला कहावा, आरती हरण वेद जस गाबा, जप ही नामू जन आरत भारी, मिट ही कु संकट हो ही सुखारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हर हु नात मम संकट भारी। दोस्तों, एक बार वापस से मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रभु दीन दयाला कहावा, आरती हरण वेद जस गाबा, जप ही नामू जन आरत भारी, मिट ही कु संकट हो इम सुख सारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हर हु नात मम संकट भारी। रोजाना इसको 5 माला जाप करने से आपके जीवन में कुछ ही दिनों बाद इस चौपाई का प्रभाव आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा और हर संकट से आपको मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय हनुमान जय पवन पुत्र लिखकर हमें भेज दें, हमें बेहद ही खुशी होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी को जरूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद। जय जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय पवन पुत्र।